तो उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कंपलसरी है। ठीक है गाइस, यहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट तो आप लेके ही आना। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो गए आप लोग यहाँ? और मैं आज कुछ नई जगह पे ट्राई करने आया हूँ, नया लोकेशन है, ठीक है, कि आप थोड़ा बोरिंग ना हो जाओ, इसीलिए थोड़ा सा हम यहाँ के ऑस्ट्रेलिया का नेचर भी आपको दिखाते और थोड़ा बात भी करते। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए मतलब जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस होते जो आपको बाबत है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ध्यान रखनी पड़ती है, या फिर ऑस्ट्रेलिया आने के बाद क्या करना है, ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में मैंने बताया था कि मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है जब इंडिया से या फिर कोई भी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट है, कोई भी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, तो उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कंपलसरी है। ठीक है गाइस, यहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट तो आप लेके ही आना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी 1 बजा है दोपहर का, और मैंने उबर करने निकला था, लेकिन अभी कोई डिलीवरी है नहीं, तो फिर सोचा कि इस टाइम का इस्तेमाल करते और यहाँ पे एक वीडियो बना देते हैं, ठीक है, आपके लिए। तो देखिए यहाँ की शांति देखिए, कोई भी आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं घर से बाहर, सिटी के साइड दिखते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा दिखता नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा मेरा थोबड़ा दिखाता हूँ और वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बात करते हैं, वीडियो को कुछ लंबा नहीं करेंगे हम, ओके। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, वो है आपका पासपोर्ट, ओके। कोई भी कंट्री से आ रहे हो यहाँ पे, तो उस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो कैसे हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला है पासपोर्ट, उसके बाद नंबर 2 है आपका जो वीज़ा आया है, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा आया या फिर जो भी वीज़ा आया उसका डॉक्यूमेंट, ओके। तो नंबर 2 है आपका वीज़ा, ओके। उसके बाद नंबर 3 इम्पोर्टेंट है आपका COE, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आए हो तो जो भी यूनि में आपने एडमिशन किया है, ठीक है, तो उसका COE लेटर आएगा, COE यानी कि कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, तो वो लेटर भी लाना कंपलसरी, ठीक है। तो ये 3 है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब ये तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है गाइस। अभी आगे बात करते हैं कि चौथा क्या है, तो चौथा है कि आपका एकेडमिक जो भी बैकग्राउंड रहा है उसका डॉक्यूमेंट, आपका यहाँ पे आपने 10 ख़त्म किया है तो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ओके। अगर आपने बैचलर भी कंप्लीट किया है तो उसका जो भी है सारा मार्कशीट, और डिग्री है आपके पास तो डिग्री, वो भी जो भी सारा एकेडमिक डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके आना है, खास करके 10, 12 और अगर बैचलर किया है तो वो, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो वो ज़्यादातर मास्टर करने ही आते, तो इतने डॉक्यूमेंट मतलब बैचलर तक तो लेके आना। अभी जो 5th है डॉक्यूमेंट है वो है अगर आपने IELTS दिए या फिर PTE दिए या फिर जो भी एग्ज़ाम दिए यहाँ पे, ठीक है, आने के लिए, तो वो जो एग्ज़ाम में आपका जो रिजल्ट आया है मतलब जो स्कोर कार्ड आया है वो स्कोर कार्ड। उसके बाद 6th डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि मैं जब आया था तब कहीं पे भी मुझसे नहीं मांगा, वो है कोविड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अभी मतलब ऐसा है नहीं कोरोना का कोई दिक्कत, तो अभी मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आपने 1 डोज लिया या फिर 2 डोज लिए, ठीक है, तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। और RT-PCR कराना वो मतलब कंपलसरी नहीं है, मैंने करवाया था लेकिन कहीं पे भी मुझे पूछा नहीं, क्योंकि अभी कोरोना की परिस्थिति मतलब अच्छी हो गई इसीलिए, ठीक है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए कोविड सर्टिफिकेट और RT-PCR टेस्ट, ओके। तो ये 6 जो है वो मतलब इम्पोर्टेंट में आते हैं, ओके। अब बात करते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया आप आओगे तो मतलब क्या कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यूज़ आएगा, क्या काम आएगा, ठीक है। तो अभी ये बैकग्राउंड से आप थोड़ा सा बोर हो गए, तो थोड़ा सा ट्रांजिशन करते हैं और चलते हैं 2000 years later। बाकी तो गाइस देखिए यहाँ पे हम अपनी सोसाइटी बोलते हैं यहाँ पे उसमें बैठे हुए हैं, और देखिए शाम का नज़ारा बहुत ही बढ़िया, और ये सोसाइटी का स्विमिंग पूल है यहाँ पे, ठीक है, और ये शाम का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा।
नज़ारा होता है शाम का भाई। और ये रही हमारी गाड़ी, हमारी नहीं है, हमारे बड़े बाइक की है भाई। ओके हेलो गाइस, ओके तो मैंने बताया था आपको कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीन डॉक्यूमेंट ऐसे अभी बचे हैं जो भी आपको लाने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है ना वो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इंडियन लाइसेंस होता है ना वो यहाँ पे चलता है, क्योंकि यहाँ के जो गाड़ियाँ होती है ना उसमें होता है राइट हैंड साइड वाला मतलब स्टेयरिंग व्हील, तो इंडिया में भी सेम होता है, तो इसीलिए जो इंटरनेशनल लाइसेंस होता है हमारा इंडिया का वो चलता है। लेकिन उसके भी अलग अलग रूल्स है कि कितने महीने चलेगा, लेकिन क्वींसलैंड में तो वो अनलिमिटेड, आई थिंक क्वींसलैंड में तो वो चलता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब आओगे तो आपको यहाँ पे मतलब नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, तो आप उबर करोगे। ठीक है, क्योंकि उबर तो भाई बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि उबर यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो उबर के लिए भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो आपका जो भी इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो खास करके लेके आना, ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, यहाँ पे वो बहुत काम आता है। उसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड, क्योंकि इंडिया में जो आइडेंटिटी होती है आपका आधार कार्ड, तो वो भी आपको लेके आना है। ठीक है, तो इसीलिए आपका आधार कार्ड। और जो तीसरा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो उसको यहाँ पे अगर कोई भी अलग लैंग्वेज में हो तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा लेना। ठीक है, लेकिन अभी मैं लेके आया हूँ, लेकिन कहाँ जरूर पड़ती है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन लेके आना। ओके, और जो चौथी आइटम थी वो था पान कार्ड। तो जब यहाँ पे आप आओगे और जो बैंक अकाउंट है वो खुलवाने जाओगे ना, तो वो लोग पूछेंगे कि भाई पान कार्ड है आपका, आपकी कंट्री का, तो वो दीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो फोर्थ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पान कार्ड, तो वो भी लेके आना मस्ट। ठीक है, पान कार्ड मस्ट है और ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों तो मस्ट है, इसको तो लेके ही आना। तो मैंने बता दिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया आने से पहले, आपको ये सब कुछ है वो ला देना है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा सभी डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेकिन भूलना मत इसको। ओके गाइस, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ यहाँ पे जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिलीज के साथ। मैं मिलता हूँ ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।